वेस्ट बंगालना सांसद सभ्य श्री डॉक्टर मजबूदार आज गोंडल खाते भाजपना उम्मीदवार गीताबा जाडेजा की शुभेच्छा मुलाकाते आव्या हता। तेमणे कार्यकर्ताओं साथे बातचीत करी कया प्रकारनो प्रचार चाले छे, गोंडल में चूंटणीनो वातावरण केवु छे ते बाबते कार्यकर्ताओं साथे चर्चा विचारणा करी हती। अहेवाल मानव पोजाणे। देखिए, मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सुकांतो मजूमदार। मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उसके साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गुजरात में तो हमारी सरकार बनेगी और इस बार बहुत ज्यादा सीटों से हम जीतेंगे। पिछली बार हमारी सीट थोड़ा कम हो गई थी, इस बार हम बहुत सारे सीट जीतेंगे। और मैं जो गोंडा लाया हूँ यहाँ पे भी हमारा मार्जिन पिछली बार 15,000 हुआ था, इस बार 30,000 होगा। देखिए, डेवलपमेंट का काम जो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में और हमारे मोदी जी के और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हुआ है, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो सी आर पाटिल साहब है, इनके सारे मार्गदर्शन में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो विकास का काम हुआ है, उसी विकास को सामने देखते हुए लोग हमें वोट देंगे। और जो विपक्ष है वो तो बिखरा हुआ है, कांग्रेस है, कोई कोई आप है, लेकिन हम जीत रहे हैं और सीख भी बढ़ेगा। अभी आपसे कहां दौरा किया, क्या लगा? देखिए, अभी तो मैं पहुंचा, अभी सिर्फ मैं जो देखते देखते आया, मैदान में बीजेपी ही है, बाकी दूसरे लोगों का तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और अध्यक्ष बोलते हैं कि हम वोट 50 से ज्यादा देंगे, आपका अनुमान कैसा लगता है? देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार आंकड़ा 100 का पार हो जाएगा। रेवड़ी के बारे में क्या कहना है? क्या रेवड़ी के बारे में? रेवड़ी कल्चर मुक्त की जो बात कर रहे हैं आप? अच्छा 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 अच्छा। देखिए, वो जो मुक्त का राजनीति है वो देखने में लुभाना लगता है, फॉर टाइम बीइंग अच्छा है, लेकिन जब ये दूरगामी परिणाम इसके जब आएंगे तब बहुत इसमें लोगों का हानिकारक होगा। जैसे हमारे बहुत सारे केंद्रीय संस्था 50 साल पहले हम उनको लॉस में रन करते करते अभी ऐसा आसार आ गया तो उसको सरकार को प्राइवेट हाथों में देना पड़ रहा है, सैलरी बंद हो रही, बहुत जगह पे ऐसा हाल है। तो ये मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, तो जो भी मिलता है उसके लिए पैसा चाहिए। ये मुफ्त की राजनीति है, ये लोगों को थोड़े समय के लिए उल्लू बना सकती है, ज्यादा समय के लिए नहीं। और गुजरात के लोग समझदार है, व्यापारी है ज्यादातर लोग, उनको बिजनेस समझ में आता है, वो समझ जाएंगे। होटल के बाद आपका कार्यक्रम अभी प्रचार में जाएंगे, बाकी डिटेल्स आपको हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो बता देंगे, वो तय करेंगे हम कहाँ जाएंगे।